अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेडिसिन के अंदर एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ हेपेटोलॉजी। ठीक है, यानी हेपेटोलॉजी का मतलब ये कि जिसमें हम लोग सारा कुछ जो है वो लिवर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता लिवर, लेकिन लिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी लिवर सिरोसिस है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लिवर के ट्यूमर्स हैं, उसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, देन कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं लिवर के, जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी विल्सन डिजीज़ है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशेंसी है, वगैरह वगैरह, और उसके अलावा गॉल ब्लैडर भी इसी के अंदर आएगा। सो बातें किए बगैर बेटे सबसे पहले एक आसान सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉमन प्रेजेंटेशन, कुछ पेशेंट्स का अगर लिवर काम नहीं करा है या उसके आगे एंड पीछे वाले पाथवेज में कुछ मसला है तो जॉन्डिस के साथ उनकी प्रेजेंटेशन आती है। ठीक है, सो जब पेशेंट एक जॉन्डिस के साथ होता है तो हमें पता होता है कि हेपेटोलॉजी इन्वॉल्वमेंट है, यानी लिवर की, गॉल ब्लैडर की, बाइल डक्ट्स हैं या फिर हिमोलिसिस है, ये कुछ टीडीज हमारे जहन में आते हैं। सो सबसे पहले हम जॉन्डिस को पढ़ते हैं, और जरा अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोगों ने, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आसान करके समझाऊंगी। सो जॉन्डिस का बेसिक मतलब क्या होता है, जॉन्डिस का मतलब यही होता है ना, येलोइश डिस्कलरेशन। ठीक है, अब येलोइश डिस्कलरेशन किस जगह पे हुई होती है, बहुत दफ़ा वाइवा में आपसे ऑस्की के दौरान ये भी पूछ देते हैं कि आप जॉन्डिस कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है, सो नंबर वन, हम पेशेंट की जो स्किन देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे येलोइश सी हुई हुई होती है, पैलेट सी होती है। उसके बाद बेटे नंबर टू, हम स्क्लेरा आँखों के अंदर देखते हैं, और नंबर थ्री, मुँह खुलवा के भी आप उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह है ना उनके ऊपर अगर देखो तो वहाँ पर भी जॉन्डिस आपको नजर आता है। ठीक है, सो बेसिक एक ले मेन वर्ड है, येलोइश डिस्कलरेशन इज नोन एज जॉन्डिस। हालांकि असल में जॉन्डिस को आपने एक्सप्लेन इस तरह से करना होता है कि जब हमारे प्लाज्मा के अंदर बिलिरुबिन की कंसेंट्रेशन 2.5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको जॉन्डिस कहते हैं। नॉर्मली बिलिरुबिन की कंसेंट्रेशन आपके प्लाज्मा में 1 mg पर डेसीलीटर या इससे भी कम होनी चाहिए। ठीक है, जब वो 2.5 से ज़्यादा हो जाए तो तब हम उसको क्लिनिकली डिटेक्टेबल जॉन्डिस डिक्लेयर करते हैं। अब mg में आप लिखेंगे तो वो 2.5 है, और अगर आप माइक्रो मोल में लिखते हैं उसको तो फिर बेटे वो कितनी हो जाती है, 40 माइक्रो मोल से ज़्यादा है तो हम उसको, आज के बाद कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज जॉन्डिस तो तब आपने बताना है जब क्लिनिकली जॉन्डिस तब क्लिनिकली डिटेक्टेबल है जब इसके लेवल आपके प्लाज्मा के अंदर 2.5 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए। ठीक है, ओके, सो बात ये आती है कि बिलिरुबिन ज्यादा क्यों होता है, मतलब वाई, ऐसा क्यों हुआ कि बिलिरुबिन जो है वो आपके प्लाज्मा में ज्यादा हो गया। यानी बिलिरुबिन को तो बॉडी में आना था, जहां से भी आना था, कहां जाना था, कहां से निकलना था, ये समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जॉन्डिस क्यों हो रहा है। सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं बेटे, आपको बताएं हमारे पास जी रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स अपना 120 डेज का साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है, और 120 डेज के बाद RBC की हिमोलिसिस है, रेड ब्लड सेल टूटता है, तो आपको पता है उसके अंदर 95% तो उसका प्लाज्मा किसने, साइटोप्लाज्म किसने मेंटेन किया हुआ होता है, हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है जब RBC टूटता है तो उसमें से क्या रिलीज होता है, हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। ऐसा ही है ना, हीमोग्लोबिन जो है वो आगे फिर टूटता है और उसमें से दो चीज़ें रिलीज होती हैं। ठीक है, एक उसमें से जो ग्लोबिन है वो अलग हो जाता है, और हीम जो जिस जो आयरन होती है उसके अंदर वो आयरन फॉर्म समझ लो अलग हो जाती है। ठीक है, अब ये जो सॉरी हाँ ग्लोबिन अलग हो जाता है और हमारे पास जो हीम है ना वो अलग हो जाती है। ठीक है, अब हीम जो है उसमें से फिर दो चीज़ें निकलती हैं, नंबर वन आयरन, और नंबर टू हीम में से क्या निकलते हैं, पोरफायरन्स। ठीक है, अब ये जो पोरफायरन्स है बेटे, इसके ऊपर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है और फिर डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनते हैं, बिलिवर्डन बनता है, एंड देन वो कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन। इसका मतलब है कि मैंने अभी ये बताया कि RBC टूटा, हीमोग्लोबिन आया, हीमोग्लोबिन टूटा, ग्लोबिन और हीम आया, हीम टूटा तो इसमें से आयरन और पोरफायरन अलग हो गए। पोरफायरन के ऊपर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के बाद अल्टीमेटली हमारे पास बिलिरुबिन बन तो गया, लेकिन ये बिलिरुबिन कहाँ जाएगा। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है बेटे कि ये बिलिरुबिन कहाँ जाएगा। ये मेटाबॉलिज्म बहुत आसान सा आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन हम ये इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम पिन पॉइंट कर सकें कि जॉन्डिस की क्या क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, ये जो बिलिरुबिन है ना, ये वाला बिलिरुबिन, ये आपने याद रखना है कि वाटर इनसॉल्युबल होता है अभी इधर, इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और ये यहाँ पे बेटे लिपिड सॉल्युबल तो है लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए ये किडनीज़ की तरफ जाके एक्सक्रीट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, या फिर हम लोग इसको क्या भी कहते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी कॉन्जुगेशन नहीं हुई है। अब ये बिलिरुबिन जो है उसको बाउंड करता है एक प्रोटीन एल्ब्यूमिन, और वो एल्ब्यूमिन इसको उठा के ले के जाता है, समझ लें आप लोग, लिवर के पास। ठीक है, ये बिलिरुबिन कहाँ आ गया, ये बिलिरुबिन जो है वो चला गया आपके लिवर के पास। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ऐसा ही है,
अब लिवर में क्या होता है बेटे कि लिवर के अंदर ना इसको यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं होंगे तो जाहिर है फिर इसकी कॉन्जुगेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ आ गया है और इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है वो ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या भी कहते हैं, UDP ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफ्रेज, या फिर हम इसके लिए UGT1A1 का वर्ड भी यूज़ करते हैं। बेसिकली इसकी यहाँ पे ना कॉन्जुगेशन होनी है, ठीक है। ये अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेट होना है और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था और ये इसकी कॉन्जुगेशन हो रही है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लूक्रोनाइल ग्रुप ऐड होता है और ये समझ बेटे ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया, ठीक है। ये अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ जाता है, यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास ना कुछ इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स होती हैं, ठीक है। मैं अब इनको कैसे ड्रॉ करूँगी, इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स हैं, उन डक्ट्स के अंदर ये बिलिरुबिन जो है कुछ ट्रांसपोर्टर्स की प्रोटीन्स की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपने याद रखना है कि ये प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते तो भी जॉन्डिस होगा, क्यों कैसे वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अब ये इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू आ जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट में, ठीक है। और कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पे होती है सिस्टिक डक्ट। सो सिस्टिक डक्ट के थ्रू वो कहते हैं जी ये गॉल बैडर के अंदर समझ लो स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब भी बाइल ने आना है फिर ये बाइल के साथ जब भी स्टिमुलस आता है तो यहाँ से बाइल भी और जो बिलिरुबिन है ये एंटर करते हैं। दिस इज़ योर कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टिक डक्ट है और ये मिलती हैं तो ये बाइल डक्ट बनती है, ठीक है। और ये बाइल डक्ट जाके आपका जो ड्यूडेनम है उसका जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पर जाके अलॉन्ग विथ पेनक्रियाटिक डक्ट्स जाके ओपन होती है और उसको हम क्या कहते हैं, एम्फ्यूला ऑफ वेटर कहते हैं, ठीक है। तो यूं ये बिलिरुबिन आपका पहुंच जाता है किधर, इंटेस्टाइन में। सो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, मुझे लगता है थोड़ी सा कंफ्यूजिंग है बट इट्स ओके, अभी हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सो हमने कहा RBCs टूटे तो हीमोग्लोबिन आया, फिर हीमोग्लोबिन टूटा तो ग्लोबिन और हीम आया, हीम टूटा तो पोरफायरियाज आए, पोरफायरियाज मेटाबोलाइज हुए तो बिलिरुबिन आया। वो अनकॉन्जुगेटेड था, वो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होकर लिवर में चला गया, लिवर में उसकी कॉन्जुगेशन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ UGT1A1 एंजाइम और वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये जो इंट्राहेपेटिक डक्ट्स हैं इनमें लोड होके जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब भी कॉलीसिस्टोकाइनिन आता है फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ये सारा जो बिलिरुबिन है और बाइल है वो सारी आती है और थ्रू बाइल डक्ट ये आके रिलीज होती है इन टू द ड्यूडनम यानी इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है। अब ये इनसे थोड़ा सा गंद मच गया है, मतलब आप समझ लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ है कि आपका जो बिलिरुबिन है और वो भी अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जिसको हम स्टार कहते हैं वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर बेटे इसके ऊपर ना कुछ बैक्टीरियाज एक्ट कर देते हैं और वो बैक्टीरियाज इसको दोबारा से डीकॉन्जुगेट कर देते हैं और एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। क्या बोलते हैं, यूरोबिलिनोजन, ठीक है। ये जो यूरोबिलिनोजन है 80% तक ये कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबाइलिन में और ये स्टर्कोबाइलिन जो है वो फीसेस में एक्सक्रीट हो जाता है क्योंकि आप समझ लो कि ये इंटेस्टाइन्स है ना, ड्यूडेनम ये सारा। उसके बाद वो कहता है कि जो 20% है वो 20% यहाँ से ना रीअब्जॉर्ब होता है इनटू द लिवर एंड इनटू द ब्लड, ठीक है। अब मैं यहीं पे लिखूंगी कि वो जो 20% रीअब्जॉर्ब होता है उसमें से मोस्टली वापस लिवर के पास चला जाता है यूरोबिलिनोजन और बाकी कुछ 10% उसमें से यूरिन यूरोबाइलिन में कन्वर्ट होता है और ये यूरोबाइलिन किडनी में जाता है और देन वो आपके यूरिन में एक्सक्रीट होता है। सो दिस इज द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, आई नो आप लोगों को आता होगा पहले से। अच्छा, अब ये नॉर्मली हो रहा है लेकिन एक पेशेंट के अंदर अगर बिलिरुबिन के लेवल ज़्यादा हैं तो वो क्यों ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हम इस क्यों की बात करते हैं, नॉर्मली तो मेंटेन है ना, फिर क्यों ज़्यादा है? एक रीज़न हो सकती है, अब हम ना जॉन्डिस के कॉजेज को तीन कॉजेज में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं जी प्री हेपेटिक कॉजेज हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन से पहले पहले। उसके बाद हम कहते हैं हेपेटिक कॉजेस थे यानी हेपेटो सेलुलर कॉजेस थे, लिवर के लेवल पे इंजरी थी, इन्फ्लेमेशन थी, इन्फेक्शन था, अल्कोहलिक लिवर था, ये कॉन्जुगेशन नहीं कर पाया। या फिर हम कहते हैं पोस्ट हेपेटिक कॉजेस हैं, या तो ये इसके अंदर लोड नहीं हो सका आफ्टर कॉन्जुगेशन, ठीक है, या फिर ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सका, या यहाँ पे ब्लॉकेज था जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, या यहाँ पे आपकी जो पेनक्रियाज है उनका कैंसर हो गया, उन्होंने बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दिया, तो ये सारा कॉन्जुगेटेड जो है
है वो वापस ऊपर लिवर में जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो जॉन्डिस के कॉजेस को बेटे हम कहते हैं प्री हेपेटिक, फिर हम कहते हैं हेपेटिक, और फिर हम कहते हैं पोस्ट हेपेटिक। तो ये तीन रीजंस हैं। अब जो प्री हेपेटिक है ना, यानी लिवर से पहले क्या हो सकता है, क्यों बिलिरुबिन के लेवल रेज्ड होंगे, ये रीज़न हो सकती है प्री हेपेटिक में कि आपकी हिमोलिसिस जो है ना वो ही बहुत ज़्यादा है। क्या है? हिमोलिसिस बहुत ज़्यादा है, आरबीसी टूट बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक रीज़न ये हो सकती है। नंबर टू बेटे हम कहते हैं कि नॉन हीमोलिटिक कंजनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, जो कि क्या करेगा, अनकॉन्जुगेटेड, आप इसको ऐसे कह दो कि अनकॉन्जुगेटेड के क्या कॉजेज हैं, यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्यों रेज्ड होगा। नंबर वन, या तो बिलिरुबिन बन बहुत ज़्यादा रहा है। नंबर टू, क्या आपके पास ये वाला एंजाइम नहीं है, और ये एंजाइम की डेफिशेंसी या इसका डिक्रीज इफेक्ट होता है कंजनाइटल डिजीजेज में, जिनको हम लोग जो है वो गिल्बर्ट और क्रिगलर निजार सिंड्रोम कहते हैं। सो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये कंजनाइटल नॉन हीमोलिटिक बिलिरुबिनीमिया हो सकता है। इन दोनों में आपने याद रखना है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल रेज्ड होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, फिर हम कहते हैं कि जी हेपेटिक रीजन है, हेपेटोसेलुलर कॉज है। ठीक है, हेपेटिक रीज़न क्या हो सकती है, हेपेटिक रीज़न ये है कि लिवर का पैरेन्काइमा डैमेज है, ठीक है, और लिवर जो है वो इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाया, एंजाइम मौजूद था लेकिन लिवर नहीं मेटाबोलाइज कर पाया, उसके अंदर हेपेटाइटिस था, सिरोसिस थी, अल्कोहलिक था, फैटी था, प्रेगनेंसी की वजह से था, या व्हाटएवर, ठीक है, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। सो उसको बेटे हम कहते हैं कि हेपेटिक कॉजेज हैं, और हेपेटिक कॉजेज में भी मोस्टली क्या हो सकता होता है कि कुछ को मे बी ये कॉन्जुगेट कर दे और कुछ को ना कर सके, ठीक है। सो और हो सकता है कि ये एंजाइम तो ठीक है ना, एंजाइम तो ठीक है, कॉन्जुगेशन तो हो जाती है, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना वो फिर आगे फर्दर मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता। तो जो हेपेटिक है उसमें हम देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो आगे नहीं जा पा रहा, लिवर का पैरेन्काइमा डैमेज है, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ज़्यादा है क्योंकि ये उसको इतना मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड रीज़न ये आ जाती है, कॉन्जुगेटेड तब जब लिवर के ना यहाँ पे ये वाले जो प्रोटीन्स है ना जिन्होंने इसको लोड करके आगे भेजना था वो ठीक नहीं है। फिर थर्ड रीज़न होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट हेपेटिक, या फिर हम उसको क्या भी कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कि कॉन्जुगेशन हो गई भी है लेकिन अब पोस्ट हेपेटिकली, यानी जो इंट्रा हेपेटिक डक्ट हैं, यानी जो आपके सिस्टिक डक्ट है, यानी आपके जो बाइल डक्ट है, इन लेवल्स पे कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही, आगे जा नहीं पा रहा, तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही रेज्ड होता है, और वो यहाँ पे बैक फ्लो, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ ऑब्स्ट्रक्चर होगी तो बैक फ्लो जाएगा तो ये फुल हो जाएगा, और फिर बाद में जाहिर है अनकॉन्जुगेटेड भी कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इन दोनों को मोस्टली हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमियास कहते हैं, और इसको अनकॉन्जुगेटेड क्योंकि इनमें फिर कॉन्जुगेशन तो हो चुकी होती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे। सो ऑब्स्ट्रक्टिव में आपने याद रखना है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं क्योंकि मोस्टली हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है एट द लेवल ऑफ बाइल डक्ट ड्यू टू कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियास आर्टिक हेड, या यहाँ पे इनके ऊपर लोडिंग में मसला है, इनकी एक्सक्रीशन में मसला है, ये ठीक से काम नहीं कर रही, इनके पास कुछ प्रोटीन्स हैं जो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो प्रोटीन्स ठीक से नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के ज़ुमरे में आती हैं। सो अब आपने याद रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आता है प्री हेपेटिक, ठीक है, सॉरी यहाँ तक, फिर इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो हेपेटिक, और फिर इधर से लेके यहाँ तक हम उसको कहते हैं कि वो आता है जी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में। सो आई होप कि ये मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं की है। ये सारे का सारा जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है जो कि लिपिड सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा जब ये कॉन्जुगेट हो जाता है तो अब ये वाटर सॉल्युबल भी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं, वाटर सॉल्युबल होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर ड्यूडेनम में रिलीज होता है, वहाँ पे ये यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, एंड देन यूरोबिलिनोजन की फेथ मैंने आपको बता दी है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनको दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्यों क्यों हैं, और क्या क्या होगा, और क्या क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है।